पहुंचा दिए सीएम साहब, सीएम साहब रेशा हम लेके आए हैं लिख के। ए रुको ना, आपको साहब लन कुछ नहीं, आपको साहब से मिलना है, बात आती तरह ना जाए, साहब से मिलना है, समस्या सीएम साहब से मिलना है हमको, सरकारी नौकरी की जरूरत है सर, कोई नहीं कमाने वाला हमको, डीएम बेनीपट्टी के एसडीओ बीडीओ कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सबको कह के थक गए, कोई नहीं सुनता है। क्या हमको समाज में सामाजिक और पारिवारिक अधिकार का हक नहीं है सर? पदाधिकारी सबके की कहब छै? हमको कहना है कि हम अपाहिज मजदूर है, वो कहता है कि जाओ अति मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, तो उनको किस लिए भेजा हमारे क्षेत्र में सर, आप ही बतलाइए। हमारे डीएम साहब के डीडीसी साहब के हमारे क्षेत्र में कई लेल भेजे हैं सरकार, आए हम ही को समस्या के सुनने के लिए ना, और जब हम ही को हिस्सा खा लेगा वो, और वो कहेगा कि हम डीएम कलस्टर है तो उसको बाधेगा, आप ही बतलाइए सर। आते हमारे बेनीपट्टी में बहुत ऐसा अति भवन है सरकारी, उसमें हमको कोई माय हेल्प यू में हमको क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, काउंटर पर हमको दिला दे, कोई बहुत बड़ा बड़ा पद आती है ऑफिस है, बुनियादी केंद्र है, जीओ प्रखंड कार्यालय है, ये सब है, बहुत है, इससे पहले भी प्रयास किए थे बहुत, फॉर्मो भर के हम थक गए, कोई नहीं सुनता है। कहाँ कहाँ गए थे? बेनीपट्टी एसडीओ साहब के पास गए थे, बीडीओ साहब के पास गए थे, जिला में डीडीसी साहब के पास 500 बेर दिए। अभी अभी आपको लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे मिलेंगे? कैसे नहीं मिलेगा सर, हम इतना अति भरोसा लेके आए थे, कैसे नहीं मिलने देगा। सीधा प्रवास।